नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स लैब में मैं श्रीकांत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। IBPS क्लर्क 2019 का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों। मुझे लगा कि इधर उधर से आपको डिटेल्स देने से अच्छा है कि मैं आपको नोटिफिकेशन ही अच्छे से समझाऊँ कि नोटिफिकेशन किस तरह से रीड करना है और क्या क्या चीज़ें इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है, सब कुछ आपको मैं इस वीडियो से बताऊँगा। देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है IBPS क्लर्क का जो है, ये IBPS द्वारा जारी किया हुआ ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो इसमें से मैं आपको इसको रीड कैसे करना है और फिर जो बाकी के भी जो डिटेल्स है, वैकेंसीज, एग्ज़ाम कैसे होने वाला, पैटर्न वगैरह, सब कुछ इसी में से डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो थोड़ा आपको ऑफिशियली इसका जो है अंदाज़ा भी होगा कि मतलब मैं कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये आपको मेरे जो टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी है, वहाँ पर ये नोटिफिकेशन मैंने अपलोड कर दिया, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो बच्चों को जो चीज़ें जो आप उसमें से रीड कर सकते हो। अब सबसे पहली जो चीज़ है, देखिए यहाँ पे ये सब पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इतने सारे बैंक इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इतने सारे बैंक्स के वैकेंसीज हैं, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों, देखिए आपकी स्क्रीन पर मैंने हाईलाइट किया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है डेट्स। अब ये टेंटेटिव डेट्स, हालांकि ये चेंज होते नहीं है, लेकिन फिर भी IBPS इन्हें टेंटेटिव डेट्स कह के ही डिक्लेयर करता है, लेकिन ये चेंज नहीं होता है, यही फॉलो होता है हर बार की तरह, ठीक है। तो गाइस, इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है वो 17 तारीख को स्टार्ट होगा, 17 तारीख यानी 17 सितंबर 2019 से लेके 9 अक्टूबर 2019 तक ये जो है आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और इसका जो फीस जो है ना दोस्तों, 100 रुपये ST अदर कास्ट के लिए है, और जनरल के लिए इसके जो फीस है वो है 600 रुपीज़ पर पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होने वाला है आपका, आपके रजिस्ट्रेशन सितंबर में होगा, और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की डेट आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की जो डेट है वो है 7/12/2019, 8/12/2019, 14 और 21, ऐसे 4 स्लॉट्स में ये एग्ज़ाम होगी। हर दिन 2 या 3 4 स्लॉट्स भी हो सकते हैं, तो ये 4 दिन में ये एग्ज़ाम होने वाली है। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, उन कैंडिडेट्स पे डिपेंड कि कितने स्लॉट्स यहाँ पे अलॉट किए जाते हैं, ठीक है। तो सितंबर में नोटिफिकेशन है इसका निकला हुआ, और दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो 3 महीने का जो टाइम पीरियड है आपको बहुत ज़्यादा है प्रिपरेशन करने के लिए। मैं भी आपको पूरी तरीके से हेल्प करूँगा, आपके कुछ भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग हो, या फिर आपको एग्ज़ाम रिगार्डिंग भी कुछ मटेरियल हेल्प वगैरह चाहिए, तो आप मुझे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और एक ग्रुप भी मैंने बनाया है इंग्लिश एक्सपेक्टर नाम का, उसमें भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप सीधा सीधा डायरेक्टली चैट कर सकते हो बाकी स्टूडेंट से और मुझसे भी, ठीक है। अब देखिए, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन तो दिसंबर में है, और मेंस एग्जामिनेशन जो है, मतलब जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो क्लियर कर जाते हैं जो बंदे, उनका जो मेंस एग्जामिनेशन होगा वो होगा 19 तारीख को जनवरी में 2020 में, यानी कि, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि दोस्तों, इस एग्ज़ाम को पर्सनल इंटरव्यू नहीं होता है, आपको सिर्फ प्री और मेंस क्लियर करना है और आप सीधा सीधा सिलेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। सो नीचे आते हैं, थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। सबसे पहली चीज़ तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, नेशनल सिटीजनशिप इंडिया होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ बाकी जो कैंडिडेट्स है, जैसे सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल, भूटान, ये सब, या फिर टिबेटन रिफ्यूजी, आप सब नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं बाकी जो कैंडिडेट्स है। भाई बाकी कैंडिडेट्स तो अप्लाई करते हैं नहीं, ज़्यादातर पे जो है इंडियन सिटीजनशिप से अप्लाई करते हैं, तो ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। एज के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ, तो एज जो है 20 साल आपका मिनिमम होना चाहिए, 28 साल जो है मैक्सिमम होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। और नीचे आप अगर देखेंगे तो बाकी जो कैटेगरीज है, SC ST OBC, उन सब के लिए जो एज का रिलैक्सेशन है, यानी कि जैसे यहाँ पे SC ST को 5 साल का है, अदर बैकवर्ड क्लासेस को 3 साल का है, ये यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है। एज रिलैक्सेशन यानी जनरल को अगर 28 साल इसकी एज लिमिट है, तो OBC को इसकी लिमिट होगी 31 ईयर्स, ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें, बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 20 या 28 ये कैलकुलेट करने से अच्छा है बस इतना सोच लो कि आपकी उम्र जो है 1/9/2019, ठीक है, यानी 1 सितंबर 2019 को आपकी उम्र 28 से ऊपर नहीं होनी चाहिए और 20 से नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बताऊँ तो 2/9/1991 के पहले आप पैदा नहीं होने चाहिए, और 1 सितंबर 1999 के बाद में भी आप पैदा नहीं होने चाहिए, तो ये आपकी उम्र इसमें कैलकुलेट होती है, ठीक है।
अगर आप 1 सितंबर 1999 के बाद में अगर पैदा हुए तो इसका मतलब आपकी उम्र जो है 20 साल से नीचे है, और अगर 2 9 1991 से अगर पहले पैदा हुए तो आपकी उम्र जो है वो 28 से ऊपर हो रही है, ठीक है। तो गाइस इतना ये याद रखिए इसमें, और अगर थोड़ा डिटेल में नीचे डिस्कस करेंगे हम ये बाकी जो चीज़ें, ये जो है विजुअली इम्पेयर्ड लोग या फिर एक्स सर्विसमैन वगैरह उनके लिए है, अगर ऐसे कोई कैंडिडेट है आप रीड कर सकते हैं नोटिफिकेशन, ठीक है। मैं सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई इसमें मसला नहीं है, आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए, वो बी कॉम हो, बी सी एस हो, बी एस सी हो या फिर इंजीनियरिंग हो या कोई अदर भी डिग्री हो, तो सिर्फ और सिर्फ डिग्री चाहिए। इसमें कोई मैटर नहीं करता कि आपकी डिग्री कौन सी है या फिर आपने कौन से स्ट्रीम से डिग्री की है, ठीक है। कैलकुलेशन परसेंटेज इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज परसेंटेज का क्राइटेरिया है ही नहीं, ठीक है। मतलब आपको 60% 50% ऐसा कोई क्राइटेरिया इसमें है नहीं, तो आप सीधे सीधे अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है, जो मतलब विजुअल इम्पेयर्ड क्या डिग्री या फिर जो डिसेबिलिटी लोगे, डिफरेंटली एबल्ड लोगे, उनके लिए कुछ यहाँ पे डिटेल्स है, तो आप मतलब जो लोग वैसे हैं तो वो आप पढ़ लो यहाँ पर, ठीक है। मैं सिर्फ जनरल के लिए यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। अब थोड़ा नीचे और जाएंगे तो देखिए यहाँ पे SC ST कैंडिडेट के लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए नहीं होती है। सीधे हम डिस्कस करेंगे प्रिलिमिनरी एग्जाम के पैटर्न के रिगार्डिंग। अब देखिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होने वाली है वो ऐसे कुछ 3 सेक्शंस होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज होती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसमें होता है, मतलब जो नंबर सीरीज या फिर आपके DI परसेंटेज प्रॉब्लम्स ये सब चीज़ें इसमें होती है, रीजनिंग एबिलिटी होती है। तो ये 3 सेक्शंस है आपके। अब 3 सेक्शंस को डिवाइड किया गया, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज का जो है 30 मार्क्स का इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाता है, और 30 मार्क्स यानी यहाँ पे इन तीनों सेक्शंस में सबसे कम इंग्लिश पूछा जाता है 30 मार्क्स के लिए। फिर क्वांट और रीजनिंग जो है दोनों भी 35-35 मार्क्स यानी 35-35-70 और इंग्लिश के 30 100, इस तरीके से 100 मार्क्स की ये एग्जाम होगी प्रिलिमिनरी एग्जाम। और इसको आपको सेक्शनल कट ऑफ्स भी होंगे, तो सेक्शनल कट ऑफ्स और ओवरऑल जो कट ऑफ है मतलब तीनों सेक्शंस का मिल के जो कट ऑफ है वो भी आपको क्लियर करना होगा। अब देखिए तीनों सेक्शंस को टाइम भी सेपरेटली अलॉट किया गया है, 20 मिनट इंग्लिश के लिए, 20 न्यूमेरिकल और 20 रीजनिंग एबिलिटी के लिए, ठीक है। तो गाइस ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको टाइमिंग भी है और सेक्शनल कट ऑफ्स भी क्लियर करने हैं अगर आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम क्लियर करनी है तो। उसके बाद में नीचे आते हैं मेंस एग्जामिनेशंस का पैटर्न देखते हैं। अब देखिए बहुत से बंदे ऐसे हैं जो बहुत सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कुछ नए भी, उनके लिए मैं बता दूँ कि प्रिलिमिनरी एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं होता है क्लियर करने के लिए। प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर करने के बाद में मतलब बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं कि जो प्रिलिमिनरी एग्जाम तो हर बार क्लियर कर जाते हैं लेकिन मेंस क्लियर नहीं कर पाते, उनके लिए भी मैं बता दूँ कि देखिए मेंस में अगर आपको स्कोर करना है या फिर क्लियर करना है तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है वो है जनरल अवेयरनेस, जो कि बैंकिंग से रिलेटेड होता है। यहाँ पे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर जाते हो तो मेंस भी आपका क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल उसकी स्ट्रैटेजी हम नहीं डिस्कस करेंगे, अब स्ट्रैटेजी हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, स्ट्रैटेजी के लिए मैं अलग से वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पे, ठीक है। सो गाइज अभी से जो है आप जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिएगा। नियर अबाउट 6 महीने का अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो आपको जनरल अवेयरनेस में 40 से ऊपर मार्क्स लेने में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर जनरल अवेयरनेस में अगर आप 40 से ऊपर मार्क्स ले लेते हो तो नियर अबाउट आपका जो है एग्जाम क्लियर ही है, ऐसा समझ लो, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्री क्लियर करते हो तो मेंस में बाकी के 3 सेक्शंस तो सेम ही है, सिर्फ ज़रूरी बात ये है यहाँ पे कि जो फाइनेंशियल अवेयरनेस यानी कि जनरल अवेयरनेस जो है वही आपका यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। तो और थोड़ा आगे जाएंगे तो देखिए नीचे एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए हैं। कट ऑफ के बारे में आपको बता दूं, मैं कट ऑफ किस तरीके से निकालते हैं, कट ऑफ जो है वो होता है देखिए कितने बंदों ने अप्लाई किया है और कितने बंदों ने ज़्यादा स्कोर किया है, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि जैसे उनको कितने बंदे हायर करने हैं। अगर 1,00,000 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किए हैं और अगर उनको 20,000 एप्लीकेंट्स जो है मेंस के लिए लेना है तो 20,000 बंदों ने जितना स्कोर किया है उतना वो कट ऑफ डिक्लेयर करते हैं, तो ऊपर के सॉर्ट आउट करते हैं। तो इस तरीके से कट ऑफ होता है, तो आपको ऐसा फिक्स नहीं है कि इतना ही स्कोर करना है उतना ही स्कोर करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, बस 60 अबव रहेंगे तो भी आप सेफ रहेंगे मेरे हिसाब से। पिछले साल से जो कट ऑफ है उसको अगर कंपेयर करके देखेंगे तो 60 प्लस आप स्कोर कर देंगे तो आप नियर अबाउट सेफ है, ठीक है। अब देखिए मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी सेम कट ऑफ का जो है होगा, जितने बंदे अप्लाई किए हैं और या फिर जितने बंदे प्री में से शॉर्ट आउट हुए हैं उनमें से कितने चाहिए उसके हिसाब से, ठीक है। बाद में यहाँ पे प्रोविजनल अलॉटमेंट वगैरह कुछ डिटेल्स है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको चाहिए, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज चाहिए इसके, ये बाद में सब ये ज्वाइनिंग के फॉर्मेलिटीज है तो ये अभी नहीं डिस्कस करेंगे हम, ठीक है।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो है अप्लाई कर समय, यहाँ पे देखिए 100 rupees इंक्लूसिव ऑफ GST, SC, ST, PWD बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए, और जनरल के लिए 600 rupees यहाँ पे जो है फीस है, ठीक है। ये ऑनलाइन आपको पे करना पड़ता है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी आप पे कर सकते हो। अब देखिए ऑनलाइन अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को डिफिकल्टी होती है, वो यहाँ पे होती है। देखिए फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और अ हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको देना पड़ता है। अब देखिए फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन के सभी डिटेल जो मतलब कितना साइज़ वगैरह चाहिए वो यहाँ पे दिया है। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा किस तरीके से वो साइज़ में फ़ोटो और सिग्नेचर आपको स्कैन करना है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी, एक पेपर पे लेफ्ट थंब आपका लगा दो और उसका फोटो निकाल के भी आप अपलोड करेंगे तो बस साइज़ वगैरह का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, इसका एक एग्जांपल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, उसको आप बस बने रहिए, उस पर ज्वाइन करके रखिएगा ताकि जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन वो किस तरीके से होता है वो आपको पता चले, ठीक है। अब चलिए थोड़ा और नीचे जाके देखते हैं। पेमेंट मोड ऑनलाइन है, ठीक है। अब नीचे जो है कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हुए हैं यहाँ पे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मैं आपको ये बता दूँ कि वैकेंसीज़ कितने हैं। अब यहाँ पे देखिए जो इंडिकेटिव वैकेंसीज इन्होंने डिक्लेयर किया है, अब इसे रीड कैसे करना है वो बता दूँ। चलो ये अदर स्टेट के बजाय मैं, मेरा खुद का जो स्टेट है अपना महाराष्ट्र से मैं अप्लाई करता हूँ, तो फिर मैं महाराष्ट्र से हूँ तो इसलिए मैं महाराष्ट्र का आपको बताता हूँ किस तरीके से रीड करना है। ये देखिए यहाँ पे ऊपर नेम्स लिखे होते हैं, मैं ढूंढता हूँ महाराष्ट्र का, ये गुजरात आया है, हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ये देखिए महाराष्ट्र के लिए आया है। अब मैं बता दूं कि इसको रीड कैसे करना है। यहाँ पे आपके सामने महाराष्ट्र का टेबल है वैकेंसीज का। अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, यहाँ पे सब बैंक्स के अकॉर्डिंगली ये सब वैकेंसीज इन्होंने दिए हैं, तो यहाँ पे लास्ट में जो है टोटल का कॉलम है, आप यहाँ पे देख सकते हो 1257 मतलब 1257 जो है टोटल वैकेंसीज है महाराष्ट्र के लिए, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे महाराष्ट्र के लिए आपको मैंने दिखाया कि 1257 वैकेंसी, आपके स्टेट के लिए कितने वो भी आप देख सकते हैं। और इसमें जो देखिए टोटल के लेफ्ट में देखिए जनरल का कॉलम है, फिर SC, ST, OBC उनके वैकेंसी सब डिक्लेयर किया है। यहाँ पे जनरल के लिए मैं बताऊँगा तो आपको 672 वैकेंसीज है, बाकी कैटेगरी के वाइज भी आप देख सकते हो। ऐसा सभी स्टेट के लिए आप वैकेंसीज कितने है, क्या है आप देख सकते हो, ठीक है। ये हो गए वैकेंसीज और नीचे कुछ एग्जाम सेंटर्स वगैरह दिए हैं कि एग्ज़ाम कहाँ पे होने वाले हैं या फिर आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आपको नियरेस्ट कौन सा सेंटर है एग्ज़ाम का, वहाँ पे आप ये अप्लाई कर सकते हो ताकि आपका एग्ज़ाम आपके ही सिटी में आए, ठीक है। बहुत सारे सेंटर्स हैं नियर अबाउट, सभी स्टेट्स में सेंटर्स हैं बहुत सारे, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये फोटोग्राफ और बाकी सभी चीज़ों की जो है डिटेल्स है कि किस तरीके से फ़ोटो वगैरह अपलोड करना है। फिर भी अगर आपको दिक्कतें आती है तो मैं किस तरीके से वो फोटोज़ वगैरह बनाना है उसका एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो गाइस ऑल द बेस्ट, जितने लोग हैं बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि अगले साल शायद वैकेंसीज बहुत ज़्यादा ट्विंडल होने वाली है, बहुत ज़्यादा कम होने वाली है, तो ये आपका लास्ट चांस आप समझिएगा। अगर आप लास्ट चांस समझ के अपेयर होते हैं तो ही आपका एग्ज़ाम क्लियर होने के ज़्यादा चांसेस है दोस्तों। तो सभी लोग अपना 100% दे दीजिएगा, ठीक है, और इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि अगले साल कितने वैकेंसी आएंगे या फिर अगले साल तक रुकना ही क्यों है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रिपेयर कीजिएगा, मैं भी आपके साथ में हूँ, आपको जो लगे वो हेल्प मैं आपको यहाँ से करूँगा, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा ताकि जो भी कोई भी अपडेट्स मैं वहाँ पर आपको देते रहूँ, जिनके वीडियोज़ नहीं बनते ऐसे कुछ अपडेट्स या फिर स्टडी मटेरियल PDFs वगैरह मैं उस पर शेयर करता हूँ, तो वो सब आप ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।